हेलो एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सीबीएसई आपको इस बार पास करेगी? क्या आप टॉपर स्टूडेंट हैं या आप अगर बैक बेंचर भी हैं तो क्या आपको सीबीएसई पास करेगी? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शायद ही ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिले लाइव प्रूफ के साथ, पूरे एविडेंस के साथ ये वीडियो होने वाली है, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। ऑन डिमांड वीडियो है स्टूडेंट्स द्वारा, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में पूरा रिवील कर दूंगा अब तक जो भी हुआ है, आपके मार्क्स कैसे दिए गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनके फीडबैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मेक श्योर क्लास 11th में जाने वाले बच्चों के लिए मैंने बुक्स वगैरह मंगा लिए हैं एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी आपके रिजल्ट्स के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट। पीसीएमबी साइंस के हो गए, ह्यूमैनिटीज के हो गए, मैथ्स हो गया, सारे बुक्स हैं मेरे पास, सारे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। रेफरेंस बुक हैं, गाइड बुक हैं, आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाएंगे आप लोगों के पास। अब हम लोग बहुत करीब हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब, तो उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेक श्योर आप अपने भैया को सपोर्ट करें। तो अब मैं बताने वाला हूं कि पासिंग परसेंटेज एक अलग चीज होता है और पासिंग क्राइटेरिया एक अलग चीज होता है। दोनों के डिफरेंस आपको पता है। पासिंग परसेंटेज मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि इतने साल में इतने इतने बच्चे पास हुए थे, जिसके कंपैरिजन में सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी कहता है कि हर साल हमारा जो पासिंग परसेंटेज होगा वो इम्प्रूव होगा, और यस इस बार होगा। अब जो मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जैक्टली रिजल्ट क्या होने वाले हैं। आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीचर्स द्वारा ग्रेस मार्क्स पॉलिसी चार्ट मैं लेकर आया हूं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये टीचर्स को जो कि मार्किंग क्राइटेरिया बताई गई थी कि बच्चों को कैसे मार्क्स देना है, आपके कॉपी चेकिंग कंप्लीटली पूरे खत्म हो चुके हैं। तो यहां पे देखो, आपको 10% से ज्यादा यानी कि हर विषय में 5 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। स्क्रीन पर देख लो, पढ़ लो, विश्वास नहीं है, अगर कोई कॉन्टैक्ट में कोई टीचर है उनके पास ये स्क्रीनशॉट शेयर करो जरा कि सर, अगर वो कॉपी चेकर हैं तो कि सर ये चार्ट आपके पास आया था, हमारे इमरान भैया इसे दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? वो आपको आंसर कर देंगे कि यस इट्स ट्रू, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे फेल हो रहे थे जिनको इंस्ट्रक्शन में 10% की छूट दी गई, उनको ग्रेस मार्क्स 2 से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स तक ग्रेस देकर उन्हें पास कराया गया। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं इसके बारे में, जस्ट सिंपल बातें करते हैं। आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया, ग्रेस मार्क्स करके 44% स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं। अब बताओ, मतलब अगर आपको कहीं भी किसी चीज का डर था किसी सब्जेक्ट में, वो भी क्लियर हो गया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपी चेकिंग का जो पॉलिसी है उसकी वजह से। अब एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, शायद ही आपने कभी देखा होगा, इस छोटी सी वीडियो के बाद इसको जरूर यूज करें अपने रिजल्ट देखने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई की रिजल्ट 2023 देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऑफिशियल ऐप भी हैं, बट उनमें से मैं आप सभी लोगों को एक बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप सबसे पहले बिना वेबसाइट क्रैश किए खुद के रिजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे। ये लाखों बच्चों द्वारा यूज होता है हर साल, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्ले स्टोर पर चले जाना है, सिंपली सर्च करना है ऑन योर स्क्रीन सीबीएसई, ठीक है, रिजल्ट 2023। आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे ही ये वाला सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं क्लास 10 12 सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 पर क्लिक करना है एंड इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस ऐप के बारे में आपको इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ ये एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके फोन में इंस्टॉल्ड हो पहले से, ताकि आप सबसे पहले खुद के रिजल्ट दें। तो जैसे इंस्टॉल हो जाए, मेक श्योर आप रेटिंग जरूर करें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मे बी आप बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बिकॉज ये सच में बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड आपको पोस्ट कर देना है। उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे जब हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लास 10th रिजल्ट 2023, क्लास 12th रिजल्ट 2023। फॉर एन एग्जांपल डेमो के लिए देख लेते हैं, क्लास 10th के रिजल्ट पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल्स इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एंड जैसे ही खुलेगा आप देख सकते हैं आप अपने एडमिट कार्ड के साथ रेडी रहना। तो यहाँ पर लिख रहा है टू चेक योर रिजल्ट क्लिक ऑन चेक रिजल्ट नाउ, ऊपर पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये बता रहा है कि अभी आपका जो है लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा लिंक तुरंत एक्टिव होगा, तुरंत रोल नंबर डालोगे, तुरंत रिजल्ट देख लोगे। तो इस एप्लीकेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है, मेक श्योर डाउनलोड नाउ, थैंक यू सो मच। अब एक प्रूफ आपके स्क्रीन पर है, ये एक रिजल्ट है। देखो, पासिंग मार्क्स आपको पता था कि 80 में से 27 मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल 33 मार्क्स लाने हैं, एंड क्लास 12 को भी 33 मार्क्स, वो सब बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो डिस्कस कर रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर देखो, ये वाला सब्जेक्ट देखो, 15 मार्क्स बच्चे को मिले हैं, 20 मार्क्स उसको प्रोजेक्ट में मिले हैं, टोटल 35 मार्क्स स्कोर हुआ है, और ये बच्चा जो है प्रोमोटेड है, पास है। मैं आपके स्क्रीन पर एक वीडियो भी प्ले कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ कि ये बच्चा पास है। आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कि क्या आपके कॉपी में
80 में से 15 मार्क्स नहीं आ सकते हैं? क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसने 10 मार्क्स 15 मार्क्स भी स्कोर नहीं किए होंगे? मान लो आपने कुछ नहीं लिखा था, आपके पेपर में मात्र मात्र 10 मार्क्स सही सही से आए हैं और आपके प्रोजेक्ट मार्क्स से 20 मार्क्स आपको मिले हैं, टोटल अंक 30 मार्क्स हो रहे हैं और सीबीएसई ने यहां पे ग्रेस मार्क्स 10% अलॉट किया है बच्चों को, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स आपको अगर 30 मार्क्स भी अगर आपके आ जा रहे होंगे तो ग्रेस मार्क्स 3 मार्क्स देकर 33 मार्क्स बनाकर आपको पास कराया गया होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर आउट है कि नहीं? एक कमेंट आपके तरफ से चाहूंगा, अदरवाइज मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। क्या आपको मेरी वीडियो देखकर सुकून मिल रहा है? क्या आपको मेरी वीडियो देखकर समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको रिलैक्स कर पा रहा हूं? क्या मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं? क्या आपको लगता है कि भैया हाँ हमारे लिए स्टैंड लेते हैं? तो आप कमेंट जरूर कर। तो यहां से ये क्लियर होता है कि अगर कोई बच्चा 10 से 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक भी स्कोर किया होगा, और इवन एक और बात कि अगर आपने कॉपी भर रखा है, लिखा है, कुछ ना कुछ आपने लिखा है, तो आपको स्टेप मार्क्स अलॉट करने की भी ये थी, जो कि एक और आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए, टीचर्स की चार्ट, जो कि इंस्ट्रक्शन था कॉपी चेक करने में, ये भी आपके सामने है। तो क्या आप पास नहीं हुए होंगे? आपको अटेम्प्ट मार्क्स मिल रहा है, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, मॉडरेशन यूज हो रहा है, क्या ये सब मिलने के बावजूद आप पास नहीं होंगे? मेरी यही एक क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।